बिहार की सत्ता बदलती रहती है, लेकिन बिहार की तकदीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। हर साल बिहार में बाढ़ आती है और यहाँ के लोगों को कई साल पीछे करके चली जाती है। बाढ़ से कई घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार बाढ़ को लेकर अभी तक गंभीर नहीं हुई है। हर साल बिहार में नेपाल और चीन की 6 नदियाँ तांडव मचाती हैं। खुद को बचाने के लिए नेपाल और चीन नदियों पर बने बांधों के दरवाजे खोल देते हैं। इस साल बिहार के 16 जिलों में 25 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बिहार में 19 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इस तबाही से राज्य में कुल 67 लोगों की मौत हो चुकी है। तिब्बत नेपाल के हिमालय से निकलने वाली बिहार का श्राप कोसी हर साल सबसे ज़्यादा तबाही लेकर आती है। 7 शाखाएँ होने के कारण इस नदी को सप्तकोसी भी कहते हैं। बिहार की अधिकांश नदियों का यही हाल है, लेकिन कोसी कुछ अधिक बदनाम इस कारण है क्योंकि यह दूसरी तमाम नदियों की तुलना में विस्तृत भूभाग में तेजी से धारा परिवर्तन करती है। तिब्बत के धौलागिरी से शुरू होने वाली गंडक जो नेपाल के त्रिवेणी कस्बे के जरिए बिहार में प्रवेश करती है, इसकी वजह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिलों के कई इलाकों में पानी भर जाता है। बूढ़ी गंडक नदी नेपाल से सटे सोमेश्वर पहाड़ी से शुरू होती है जो पश्चिमी चंपारण के बिशमपुर के पास चौतरवा चौर से बिहार में प्रवेश करती है। इसमें बाढ़ आने पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय प्रभावित होते हैं। बागमती नदी नेपाल के शिवपुरी पहाड़ियों से शुरू होती है और सीतामढ़ी के सोरवतिया गांव के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। यह मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में बहती है। नेपाल में सिंधुलियागढ़ी के पास स्थित महाभरता पहाड़ियों से शुरू होती है कमला नदी, जो बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर कस्बे से बिहार में प्रवेश करती है। धौरी, सोनी, बालन और त्रिशूला इसकी मुख्य शाखाएं हैं। घाघरा नदी की उत्पत्ति नेपाल के नम्पा में हुई है। यह बिहार में गोपालगंज के रास्ते प्रवेश करती है और छपरा में गंगा में मिल जाती है। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।